जय जननी, जय जन्मभूमि। मैं धर्मेंद्र कुमार, पायोनियर कंप्यूटर, सर्वोदय नगर, बेगूसराय, बिहार में आपका स्वागत है। हम लोगों ने ADCA कोर्स में और पावर पॉइंट में होम पूरा कर चुके थे और ADCA में इंसर्ट में जाने के बाद न्यू स्लाइड, टेबल, पिक्चर ये सब तो हम लोगों ने कर लिया था। ऑनलाइन पिक्चर नहीं किए थे, ऐसे तो इसको नेट से उतारना पड़ता है। जो नेट के द्वारा जो फाइल या फोटो वगैरह सब होते हैं उसको हम इसके द्वारा ला सकते हैं, लेकिन हम ऑफलाइन में पिक्चर जो कंप्यूटर में बना हुआ उसको तो ला सकते हैं। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है आपका इंटरनेट कनेक्शन नहीं किया हुआ है ऑनलाइन पिक्चर, इसलिए आप ऑनलाइन पिक्चर लाने के लिए नेट को कनेक्ट कीजिए। नेट कनेक्ट करके लाने के लिए हम जिस समय आपको इंटरनेट बताएंगे उस समय तो बताएंगे ही फिर दोबारा, लेकिन यहाँ पे वर्क ऑफलाइन करके आप यहाँ से पिक्चर ला सकते हैं। जैसे ये पिक्चर पर क्लिक किए, इंसर्ट किए, आ गया फोटो में, यानी कंप्यूटर में ही बना हुआ फोटो को आप यहाँ से ला सकते हैं। जैसे ये फोटो हम लोगों ने यहाँ से इंसर्ट से यहाँ से लाया था, तो ये भी पिक्चर ही लाता है, लेकिन ये सिर्फ लाता है कंप्यूटर का। ये दोनों यानी ऑनलाइन नेट से भी और आपके सिस्टम से भी दोनों जगह से ये पिक्चर को ला सकता है। ये सब आप DCA में नहीं किए, ये वाला नहीं किए थे DCA में। और यहाँ से हम पिक्चर को हटाते हैं, डिलीट कर देते हैं, वो फोटो हट गया, तो यहाँ से हम पिक्चर ऑनलाइन भी ला सकते हैं और जो सिस्टम में बना हुआ है वहाँ से भी हम ला सकते हैं। अब है स्क्रीनशॉट, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मीनू है, ये आप DCA में नहीं किए थे, ADCA में इसको आपको बताया जाएगा इसका क्या यूज है। ADCA या ADCA से बड़े कोर्स में इसको बताया जाता है और हम लोग इसको सीखेंगे तो ये क्या करता है। जैसे यहाँ पे खुला हुआ है पायोनियर कंप्यूटर एड, ये एक फाइल यहाँ पे खुला हुआ है, यहाँ पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे कोई चीज नहीं आया हुआ है, लेकिन हम वैसे पिक्चर को इसमें हम ला सकते हैं। स्क्रीनशॉट से भी वही चीज होता है, पिक्चर ही लाया जाता है, लेकिन वैसे पिक्चर जो इसके बैकग्राउंड में आया हुआ हो यहाँ पे, यानी कोई फाइल को आप ला सकते हैं। जैसे हम एक फाइल को यहाँ से खोलते हैं, चाहिए ये जो है WIFI वर्ड, यही खोलते हैं, यही फाइल आ गया और यहाँ से फिर पावर पॉइंट में हम गए और यहाँ से क्लिक कीजिए, देखिए ये आ गया, ये दोनों इसलिए आ गया, ये डॉक्यूमेंट है, यहाँ से जो डॉक्यूमेंट वाला खोले थे पीछे देख लीजिए, ये जो डॉक्यूमेंट खुला हुआ ये भी दिखा रहा है, अब पूरे स्क्रीन पे यहाँ दिखा रहा है और ये भी दिखा रहा है वर्ड पैड वाला, ये इसके ऊपर ये इसो नहीं, यहाँ देखिए ध्यान से आपको दोनों दिखा रहा है, यानी डॉक्यूमेंट वाला भी। आइए देखिए डॉक्यूमेंट पर क्लिक किए, डॉक्यूमेंट में जो जो चीज़ वहाँ पर खुला हुआ था वो सब यहाँ पे आ गया। अब इसको यहाँ पर आप छोटा करके इसको भी यहाँ पे रख सकते हैं, देखिए ये आपका बोला, इसको हम हटा रहे हैं, पुनः इंसर्ट में गए, एक नया पेज पे चले आइए तब ज़्यादा समझने में बेहतर होगा, फिर स्क्रीनशॉट पे आइए, ये जो नोट पैड वहाँ पर जो खुला हुआ था वर्ड पैड नोट पैड वाला वो यहाँ पे आ गया, यानी जो पीछे फाइल है वो यहाँ पे आपको शो कर देगा, इसको आप यहाँ से बड़ा भी कर सकते हैं, यानी उसको एक फोटो के रूप में लेके आपके स्लाइड पे डाल देगा। सबसे बड़ी खासियत इसका यही है, ये स्क्रीनशॉट का, फिर से एक बार देख लीजिए, इसको हम हटाते हैं यहाँ से, इस फाइल को हटा दिए, इसके पीछे जाते हैं, इस फाइल को भी हटा देते हैं, ये जो डॉक्यूमेंट आया हुआ है इसको भी हटा देते हैं, अब से इसके पीछे कुछ नहीं है, यानी पावर पॉइंट के पीछे कुछ नहीं है। अब स्क्रीनशॉट पर जाते, देखिए यहाँ पर गए, यहाँ पर कुछ नहीं दिखा रहा, अब पुनः इसको मिनिमाइज कर लेंगे और यहाँ से इसको खोल के, जैसे इसका ज़्यादातर यूज होता है जो
पावर पॉइंट में जैसे दो को फाइल बना हुआ है, एक डीके के नाम से बना हुआ है, पायोनियर ऐड है, तो पायोनियर ऐड में ही हम डीके का कुछ फाइल को ऐड करना चाहते हैं। ध्यान दीजिए, जैसे बीसीए ये डीके में लिखा हुआ है, हम इसको खोल लिए, ये डॉक्यूमेंट वाला हटा देना, तो फिर डॉक्यूमेंट वाला भी वहाँ पर दिखाई देने लगेगा, इसलिए डॉक्यूमेंट को हटा लिए। यहाँ से आइए, हम डीके को भी खोल लिए, डीके पीछे और ऊपर पर खोलिए पायोनियर कंप्यूटर। आप स्क्रीन शॉट पर आइए, देखिए यहाँ पर बीसीए वाला आ गया, यहाँ पे क्लिक कीजिए, ये आ गया। क्यों आया ये? क्योंकि पीछे हम बीसीए वाला खोया, अगर इस पायो वाला पर क्लिक कर देंगे तो फिर यहाँ पे पायो वाला ही रहेगा। इस पर क्लिक रखने रखे रहिए, यहाँ आइए, आप देखिए ये तो चूंकि ला चुके हैं, इसको हटा दीजिए। आप पुनः इंसर्ट में जाइए, स्क्रीन शॉट पर जाइए, देखिए यहाँ पर आपका वो फर्स्ट वाला आया हुआ है, इस पर क्लिक कीजिए, ये पायो वाला आ गया। इसको आप छोटा उटा करके यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो इससे बेनिफिट यह है कि अगर आप एक पायोनियर कंप्यूटर ऐड के नाम से एक पावर पॉइंट में आपने बनाया और दूसरे भी फाइल का कोई भी पेज आप लाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे आप ला सकते हैं, उसका पूरा का पूरा टोटल प्रिंट करके यहाँ पे डाल देगा। तो यानी यह भी आपका फोटो ही डालता है, यहां से भी फोटो ही डालता है, लेकिन जो आपके डॉक्यूमेंट के पीछे जो है उसको वो ये आपके डॉक्यूमेंट में ऐड करता है। तो यही है, इसको एक बार हम फिर से करके दिखाना चाहेंगे ताकि आप इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए। जैसे हम फिर यहां से डिलीट करते हैं, स्क्रीन के पीछे जाते हैं, ये पायो था, यहां पर बीसीए कर दिए। आप देखिए इसको फिर से यहां से खोलिए पायोनियर कंप्यूटर को और स्क्रीनशॉट पर जाइए, देखिए यहाँ पे ये आ गया, इस पर क्लिक किए बीसी वाला आ गया। इसको यहाँ से आप इस तरह से इसको डिजाइन वगैरह सब यहाँ से भी दे सकते हैं। तो इस तरह या यहाँ से क्रॉप भी कर सकते हैं, जैसे ये चाहते हैं ये फोटो में ये चीज़ें सिर्फ हम बीसीए और ये सब रहने दें, बाकी सबको हटा दें, तो यहाँ से क्रॉप कीजिए, क्रॉप पर क्लिक कीजिए, यहाँ से इसको ऐसे करके काट दीजिए और इंटर दबा दीजिए, क्रॉप पर क्लिक कीजिए, हट जाएगा। यानी क्रॉप करके और हम क्रॉप पर क्लिक कर दिए, जितना काटना था उतना काट के कर, अगर इधर भी हम काट देते, देखिए फिर से करके देखिए, क्रॉप क्रॉप पर क्लिक किए, आया, हम थोड़ा सा इधर से ये गैप कर रहे हैं, ये वाला सिर्फ हम बीसीए को रहने देंगे, और या इधर से भी हटाना चाहते हैं तो थोड़ा सा इधर से भी हटा दीजिए, सिर्फ यहाँ पे बीसी और बीसीए के बारे में यहाँ पे जानकारी दे रहा है, और यहाँ पे क्रॉप पर क्लिक कीजिए, आपका रह जाएगा ये। तो ये सब यहाँ से आप कर सकते हैं, यहाँ से रोटेट रोटेट है, घुमा सकते हैं वगैरह वगैरह, अलाइन कर सकते हैं, देखते हैं ना, यहाँ से इस तरह से कर देंगे, इस तरह से ब्रीफ, तो ये सब यहाँ से करेगा। और क्रॉप में भी है, लेकिन कोई खास इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें वही सेप उतेप लाना है ना, ये सब कोई खास नहीं है, फिलूल करना है ना, फिट करना, ये सब जैसे फिट पर क्लिक कर देंगे तो ये इस तरह से फिर से ला देगा उसी में, जो क्रॉप कर दिए थे वो भी, लेकिन वो छोटा करके ला दिया। तो ये सब यहाँ से आप कर सकते हैं। इस तरह से हम लोगों ने यह सीखा कि ऑनलाइन और स्क्रीन शॉट से क्या होता है। नेक्स्ट रोज हम लोग ये बताएंगे कि आप लोगों को कि फोटो एल्बम से क्या होता है। धन्यवाद।